Hello everyone, if you haven't subscribed to my channel, so please first of all subscribe to my channel. Now in this video I'll tell you mathematics class 10th NCERT trigonometry chapter 8. एंड सबसे पहले मैं टिग्नोमेट्री में थोड़े बेसिक कंसेप्ट बता देती हूँ एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1. नाउ व्हाट इज टिग्नोमेट्री? टिग्नोमेट्री बेसिकली टिग्नोमेट्री जो हमारी 10th क्लास में उसमें हम ओनली एंड ओनली राइट एंगल पे बात करते हैं. राइट राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वी कैन से इन राइट एंगल ऑब्वियसली एंगल्स क्या होते हैं? ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? थ्री साइड्स एंड द सम ऑफ द थ्री साइड्स इक्वल टू 180, राइट. बट जो राइट एंगल होता है उसमें सिर्फ एक साइड की जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री एंड वी कैन से अदर साइड्स वुड बी लेस देन 90 डिग्री सो दैट इट विल बिकम टोटल 180 डिग्री, राइट. हम कह सकते हैं ये राइट एंगल है एट बी, बी पे राइट एंगल है सो इट इज़ 90 डिग्री और ये जो होंगे ये 90 से कम ही होंगे तभी टोटल मिला के क्या हो जाएगा 180 डिग्री, राइट. सो वी कैन से थ्री टाइप्स के एंगल्स होते हैं राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है? जो होता है इक्वल टू 90 डिग्री, राइट. सेकंड क्या होता है? जो कम होता है राइट एंगल से, जो मोस्टली इस बुक में है, जो मोस्टली इस चैप्टर में है, क्या होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल would be less than 90 degree, means we can say 1 degree, 2 degree, 30 degree, 46 degree, 82 degree, 89 degree, ये जो होते हैं सारे के सारे acute angles होते हैं, right. Less than 90 degree जो होंगे वो होंगे acute angles and more than 90 degree होंगे obtuse angles, right. So it is greater than 90 degree which would be 91 डिग्री, 180 डिग्री, 170 डिग्री, ओके. सो हमारे बेसिकली इस चैप्टर में क्या है? राइट एंगल होगा, मींस एक तो 90 डिग्री का होगा और जो बाकी के होंगे वो होंगे हमारे एक्यूट एंगल्स, राइट, बिकॉज टोटल सम ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, दैट्स व्हाई. नाउ अब टिग्नोमेट्री में वी हैव सिक्स काइंड्स ऑफ फंक्शंस जिसे हम कहते हैं टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, राइट. टिग्नोमेट्री है तो ऑब्वियसली टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे. सो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वी हैव सिक्स काइंड्स ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नाउ फर्स्ट वन इज, मैं सीक्वेंस वाइज करती हूँ, वाई, सो दैट जो आगे जाके हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, वो हमें ईजिली लर्न हो जाती है और जो हमारी बेसिकली टिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है, राइट, वो भी हमें ईजिली लर्न हो जाती है इफ हम टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को सीक्वेंस वाइज लर्न करें तब. नाउ सीक्वेंस वाइज क्या है? फॉर मी सीक्वेंस वाइज है साइन, सेकेंड वन इज कोसाइन, थर्ड वन इज टेंजेंट, फोर्थ वन इज कोटेंजेंट, राइट, देन कोसेकेंड एंड देन सेकेंड, राइट. देखो साइन, फिर कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, बट जो लास्ट वाला होता है वो होता है को सेकेंड एंड देन सेकेंड, राइट. व्हाई? अभी मैं बताती हूँ. देखो इसको हम नॉर्मली साइन नहीं लिखते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इन सब की, राइट. उनसे हम इनको डिनोट करते हैं एंड ये जो हमारे ये होते हैं, राइट, ये हमारी फुल फॉर्म्स होती हैं टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की, बट हमें मेन जो काम होता है वो इनसे होता है जो इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, निमोनिक हम कह सकते हैं, राइट. सो साइन को हम डिनोट करते हैं एस आई एन से, साइन, कॉस को करते हैं कोसाइन को कॉस, राइट. थ्री थ्री टर्म्स में करते हैं, देन दिस वन इज टेन, दिस वन इज कॉट, दिस वन इज कॉस एंड दिस वन इज सेक, राइट. थ्री थ्री टर्म्स में कर दिया, बट हम देखते हैं ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों सेम हो जाती है, राइट. सो वी कैन से ये जो कॉस सेकेंड है हम इसको कोसेक लिख देते हैं सो दैट ये इससे अलग हो जाती है, राइट. ये हमारे टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है साइन, हम सिंपली साइन या ये जो है हमारी टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है हम सिंपली इनको इस तरह से नहीं लिखते हैं. देयर मस्ट बी ऑल्सो एन एंगल हेयर, राइट. हम कह सकते हैं जैसे कि साइन थीटा, मीन्स साइन को सिर्फ साइन नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ और भी एंगल ज़रूर होना चाहिए. सो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से हम बोल सकते हैं? साइन ऑफ एंगल थीटा, इस तरह से हम बोलते हैं, हम कह सकते हैं साइन ए,
sine of angle A, similarly cos theta cos of angle theta cos A cos of angle A, where theta and A जो है वो कोई भी particular angle है, जैसे कि ये है right, ऐसे ही है हमारे theta या A या फिर कोई भी value आ सकती है. We can say sine 60 degree right, कोई भी value भी आ सकती है. तो same in this sine of angle 60 right, इस तरह से हम इसको लिखते हैं. और एक चीज़ और है, साइन ए या साइन थीटा या साइन कुछ भी डज नॉट इक्वल टू साइन इंटू ए राइट. इसका मतलब ये नहीं है साइन ए का कि साइन एंड ए की मल्टीप्लाई हो रही है. इट डजेंट मीन साइन इंटू ए, इट सिंपली मीन्स साइन ऑफ एंगल ए राइट. इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपली क्या है कि साइन का एंगल जो है वो है ए. इसका मतलब ये नहीं है कि साइन और ए की मल्टीप्लाई हो रही है या फिर कॉस एंड थीटा की मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होता है. और जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं बेसिकली हम उनको सेपरेट नहीं लिखते हैं कि सिर्फ साइन सिर्फ कॉस सिर्फ ऐसे करके हम नहीं लिखते हैं साइन कॉस टेन, उसके साथ एंगल ज़रूर होना चाहिए राइट. अब थोड़े से हमारे फॉर्मूलाज हैं जो हमारे 8.1 में भी काम आएंगे, तो उनको एक बार देख लेते हैं. देखो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की मैं बात करती हूँ तो वी कैन से हम थीटा की बात करते हैं फिलहाल. वाई, बिकॉज ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं. सो अब मैं कह सकती हूँ कि मैं जो हमारा एंगल होगा वो थीटा होगा राइट. सो यहाँ पे जो हमारा एंगल है साइन थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग एक टर्म बनती है, एक आइडेंटिटी बनती है, वन अपॉन कॉसेक थीटा राइट. सेकेंड वन होता है कॉस थीटा, सो इसकी जो फॉर्मूला बनता है वन अपॉन सेक थीटा. एंड दिस वन इज टेन थीटा, इसका होता है वन अपॉन कॉट थीटा. वाइस वर्स कैसे, कॉसेक थीटा इक्वल होता है वन अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल होता है वन अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल होता है वन अपॉन टेन थीटा राइट. ये ऐसे ऐसे हो सकता है. तो दो तरीके के फॉर्मूले बन गए, या तो साइन थीटा इक्वल होगा वन अपॉन कॉसेक थीटा के, या फिर कॉसेक थीटा होगा वन अपॉन साइन थीटा के, इस तरह से होता है. एंड दो टर्म और होती हैं, हम कह सकते हैं tan थीटा एंड cot थीटा, इनके भी अलग से हमारे आता है. tan थीटा क्या होता है मैं अभी बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको लर्न भी कर सकते हैं राइट. हमारी ये भी हमारी आइडेंटिटी होती है, वी कैन से नॉट अ आइडेंटिटी, वी कैन से दिस इज़ ऑल्सो अ टर्म जो कि हम लर्न करते हैं राइट. आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर्मूलाज, ये हम नॉर्मली फॉर्मूलाज होते हैं बट थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं, तो हम इनको इतने से कॉमन सेंस की तरह यूज़ करते हैं राइट. अब देखो मैंने बताया था कि हम सीक्वेंस वाइज लर्न करते हैं, तो हमें फॉर्मूलाज या फिर आइडेंटिटी या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लर्न हो जाते हैं. सो देखो ढंग से देखते हैं साइन, हम इनकी बात नहीं करते हैं राइट. साइन किस तरह से हम इनको लर्न करते हैं, साइन कॉस टेन इस तरह से लर्न करते हैं राइट. साइन कॉस टेन, बट अब देखो हम किस तरह से इसे लर्न करते हैं, साइन कॉस टेन राइट. ये तो मैंने इसलिए बताया जिससे हम ये पर्टिकुलर लर्न करें, हम किस तरह से भी इन्हें लर्न करते हैं, साइन कॉस टेन. एंड देन साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक. कॉस का क्या होता है, सेक. टेन का क्या होता है, कॉट राइट. ये हमने यहाँ पे देखे हैं ओके. अच्छे से लर्न करना है इन्हें, किस तरह से साइन कॉस टेन, एंड देन साइन का क्या होता है, कॉसेक. कॉस का क्या होता है, सेक. एंड टेन का क्या होता है, कॉट. उसके थ्रू हम ये लर्न कर लेते हैं. एंड वी नो दीज फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज थोड़ी बहुत. साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा, सेम इन दिस राइट. इनमें भी ऐसी होगा. एंड वी हैव टू आइडेंटिटीज ऑल्सो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन. नाउ इसमें किस तरह से हम लर्न करते हैं, वी कैन से टेन थीटा यहाँ पे पहले है राइट. और देखो हम कह सकते हैं ये पहले आया है, तो पहले क्या था, साइन, तो इसलिए ऊपर क्या है, साइन. तो साइन अपॉन कॉस हो गया, ये बाद में है तो इसका रेसिप्रोकल है ये, कॉट. कॉट रेसिप्रोकल है ना, वन अपॉन कॉट थीटा राइट, रेसिप्रोकल है. सो वी कैन से इट इज़ द रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन करके हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कॉस अपॉन साइन राइट. टेन पहले है तो साइन अपॉन कॉस हो गया, बिकॉज साइन पहले लिखा है तो टेन के लिए साइन ऊपर आ जाएगा, इस तरह से राइट. और हमारी अब पाइथागोरस थ्योरम आती है. पाइथागोरस थ्योरम इज़ फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स. एंड मैंने बताया कि ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, ट्रिग्नोमेट्री है हमारी 10th क्लास में, वो टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल राइट. तो हम एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम भी एक बार देख लेते हैं. पाइथागोरस
थ्योरम. सिंपली क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम में वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी कैन से ए बी सी एंड द राइट एंगल इज एट डी, राइट. सो राइट एंगल डी पे, सो वी कैन से बी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए एंड एंगल ए सी मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री. सो वी कैन से ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये है राइट एंगल, ये है एक्यूट एंगल एंड दिस वन इज ऑल्सो एक्यूट एंगल बिकॉज ये लेस देन है 90 डिग्री, दैट्स वाई. नाउ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, वी हैव थ्री टर्म्स इन राइट एंगल ट्राइंगल. फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर, सेकेंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज हाइपोटन्यूज. हाइपोटेनियस भी कहते हैं लोग, बट इट इज हाइपोटन्यूज, राइट. सो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटन्यूज. नाउ हाइपोटन्यूज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी है हाइपोटन्यूज. हाइपोटन्यूज कौन सी होती है, जो एंगल होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल, उससे जो सबसे अलग होती है हमारी, सबसे लार्जर जो हमारी साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटन्यूज, राइट. सो वी कैन से राइट एंगल ट्राइंगल इस पे है और इससे कौन सी साइड टच नहीं है, ये वाली. सो दिस वन इज हाइपोटन्यूज, राइट. अब आता है परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है. कुछ कोई कहता है परपेंडिकुलर है ए बी, कोई कहता है परपेंडिकुलर है बी सी, कोई कहता है बेस है बी सी, कोई कहता है बेस है ए बी. बट बेस एंड परपेंडिकुलर वुड बी डिपेंड ऑन एंगल, राइट, अदर देन राइट एंगल. आई मीन टू से हाइपोटन्यूज पता चल गई, बट जो हमारे अलग से परपेंडिकुलर और बेस होता है वो हमें एक्यूट एंगल पे डिपेंड करता है. आई मीन इफ यहाँ पे एक एंगल है, राइट, इफ ये है हमारा एंगल, देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस, अदरवाइज हम नहीं कर सकते फाइंड आउट. अब देखो, अगर हमारा एंगल, मैंने सपोज किया है कि एंगल जो है हमारा एक्यूट एंगल, राइट, राइट एंगल तो होता ही है हर जगह, उसके अलावा जो एंगल्स होते हैं दोनों में किसी एक का फाइंड आउट करना ज़रूरी है, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा परपेंडिकुलर या बेस. सो वी कैन से दिस इज दी एंगल. अब हमें फाइंड आउट कर सकते हैं हम कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है. अब ये ध्यान रखो, एक तो हो गई हमारी हाइपोटन्यूज, राइट, और जो दूसरी वाली जो साइड होती है जो हमारी इस एंगल से टच होती है उसे हम कहते हैं बेस, राइट, और जो रिमेनिंग साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर. सो वी कैन से अगर हमारा एंगल सी है, ये तो है ही, राइट, अगर हमारा एंगल सी है सो वी कैन से ऑब्वियसली ये तो हाइपोटन्यूज है और जो इससे अलग जो दूसरी साइड है टच हो रही है सो इसे हम कहेंगे बेस और जो रेस्ट ऑफ द साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, राइट. सो दो तीन तरह की साइड होती हैं, परपेंडिकुलर, सेकेंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज हाइपोटन्यूज, राइट. सो हाइपोटन्यूज तो सबसे अलग वाली साइड होती है, बेस होती है अकॉर्डिंग टू द एंगल हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं. एक और चीज है, देखो ए बी सी दिस वन इज राइट एंगल. अगर हमारा ए जो है वो है एंगल, राइट, तो हम कह सकते हैं ये तो हाइपोटन्यूज है, ये वाली, राइट. हाइपोटन्यूज क्या होती है, जो राइट एंगल से अलग होती है वो. सो इट इज हाइपोटन्यूज एंड बेस इज दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर इन दिस केस दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटन्यूज. एंड वी हैव द फॉर्मूला फॉर पाइथागोरस थ्योरम, इट इज हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हम इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम सिंपली क्या लिखते हैं, साइड्स के जो हमारे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिनोट करते हैं. सो इन दिस केस हाइपोटन्यूज इज ए सी स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो इट इज़ दी फॉर्मूला फॉर पाइथागोरस थ्योरम. इसमें हम अलग से भी फॉर्मूला कर सकते हैं, सो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, राइट. इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इधर चला जाता है तो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं. बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है. नाउ अब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स से हम इसको किस तरह से रिलेट करते हैं. सो वी कैन से दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, वेयर राइट एंगल इज एट क्यू, एंगल क्यू. एंड हम कह सकते हैं ये वाला जो एंगल है ये हमारा थीटा है, या फिर एंगल आर कह सकते हैं, या एंगल थीटा, यहाँ पे हम थीटा भी लिख सकते हैं. तो हम कहेंगे इसे एंगल थीटा.
और यहाँ पे अगर हम थीटा नहीं लिखते हैं बेसिकली, तो वी कैन से एंगल आर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं. फाइन, तो हम इसको बेसिकली साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट को किस तरह से हम ज्वाइन करते हैं इनसे. सो वी हैव अ टर्म राइट, इसके थ्रू हम लिख सकते हैं. देखो, पी अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरन्यूज, बेस अपॉन हाइपरन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वाइस वर्सा, हाइपरन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपरन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं. एंड वी नो सीक्वेंशियल वाइज हमें लर्न है. सो इट इज साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट राइट. सो साइन इज पी अपॉन एच, टेन इज पी अपॉन बी, सेक इज एच अपॉन बी. इस तरह से हम इसके फॉर्मूलाज लर्न करते हैं. सो वी कैन से इफ दिस इज फोर, दिस इज फाइव एंड दिस इज थ्री राइट. ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. सो वी कैन से साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आर, बिकॉज साइन सिंपली साइन नहीं लिखते हैं, तो साइन आर इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच मीन्स फोर अपॉन फाइव. एंड कॉस आर इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, बी अपॉन एच. सो वी कैन से बी अपॉन एच. बी क्यों? बिकॉज जो इससे अलग होती है साइड, दिस वन वुड बी हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल से अटैच होती है दिस वुड बी बेस, दैट्स वाई. सो बी अपॉन एच इज थ्री अपॉन फाइव. एक बार हम कॉसेक देख लेते हैं. कॉसेक आर आर राइट इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी. जैसे ये तो पी अपॉन एच था, ये अपॉन एच अपॉन पी हो गया, तो एच अपॉन पी. सो इट इज फाइव अपॉन फोर. या फिर हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक थीटा. सो वी कैन से साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक. तो इसको वाइस वर्सा भी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिख सकते हैं राइट. सिमिलरली टेन पी, नाउ एंगल ये वाला है राइट, ये एंगल है, तो हाइपरन्यूज तो यही है बिकॉज ये राइट एंगल है, बट ये जो होगा बेस हो जाएगा. तो टेन पी पे क्या होगा, टेन पी क्या होता है, पी अपॉन बी. सो पी इज थ्री एंड बी इज फोर राइट. अगर पी है एंगल, सो इसके अकॉर्डिंग हम बेस फाइंड आउट करेंगे एंड देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के थ्रू हम टेन पी फाइंड आउट करते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू एक्सरसाइज नंबर 8.1. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. I'll see you in the next video.